दोस्तों बासी मुंह सिर्फ 4 से 5 पत्ते चबाना शुरू कर दीजिए या इनकी चाय बनाकर पीना शुरू कर दीजिए। अगर आपको भी गर्मियों के मौसम में गैस, पेट फूलना या पेट में बहुत ज्यादा ऐठन, सूजन सी महसूस होती है, खाया गया खाना अच्छे से नहीं पचता, तो ये पत्ते या इनकी बनी हुई चाय आपके लिए वरदान है। दोस्तों पेट फूलने की समस्या को मेडिकल भाषा में ब्लोटिंग कहते हैं। इसकी वजह से आपको पेट में गैस महसूस होती होगी, इसके साथ साथ पेट में ऐठन, दर्द और सूजन महसूस होता होगा। ब्लोटिंग और गैस के लिए वैसे तो आप बहुत सारी दवाई खाते होंगे या फिर दवाई बाजार में मिलती भी है, लेकिन अगर आप इन पत्तों का सेवन कर लेते हैं तो ये समस्या के लिए आपको कैसी भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी और देनी थी। दोस्तों सिर्फ एक दिन के अंदर 2 घंटे काम करके आप भी ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आपको 20,000 से लेकर 1,00,000 तक की इनकम हो सके, तो इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, यही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उस नंबर पर आप अपना नाम, एज और अपनी एजुकेशन लिखकर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। दोस्तों आपको कॉल आ जाएगी और आपको इस बिजनेस के बारे में सारी जानकारी भी दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस वीडियो के बारे में कि ऐसे कौन से पत्ते हैं जो कि हमारे पेट की गैस, एसिडिटी को दूर करते हैं, ब्लोटिंग की समस्या को दूर कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले पत्ते का नाम लिया जाए तो वो है दोस्तों अजवाइन के पत्ते। जी हाँ, अजवाइन के पत्ते जो हैं वो पेट में भारीपन होना, पेट में सूजन होना, दर्द होना या अपच होना, तो इन सभी समस्याओं को दूर करते हैं। अगर आपको पेट में गैस बन रही है या अम्लता यानी एसिड के कारण दर्द हो रहा है तो भी ये समस्या दूर हो जाएगी। नॉर्मली आपने 2 पत्ते चबा लेने हैं और ऊपर से नॉर्मल पानी पी लेना है। बहुत आसान सा तरीका है ना। अजवाइन वैसे भी पुराने टाइम से इस्तेमाल हो रही है पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए, लेकिन अगर आप इन पत्तों का सेवन कर लें तो आपके लिए वरदान होगा। दोस्तों इसके अलावा आपको जामुन के पत्ते भी आपके आसपास बहुत आसानी से मिल जाएंगे। जामुन के पत्ते जो है ना वो पेट का फुला होना या कब्ज होना, सूजन की समस्या होना, इन सभी समस्याओं को दूर करते हैं। अपच होना, गैस्ट्रिक होना, एसिड ज्यादा बनना, पेट फुला लेना, ब्लोटिंग की समस्या होना, तो उसमें भी आपको जामुन के सिर्फ 2 से 3 पत्ते चबा लेने हैं और ऊपर से नॉर्मल पानी पी लेना है। अब आपके मन में ये आएगा कि ये कब लेना है, तो खाली पेट ही लीजिए, तभी ये ज्यादा फायदा करेगा। दोस्तों एक लास्ट और बात बता देती हूँ, पुदीने के पत्ते ये तो आपके घर पर या घर के आसपास बहुत आसानी से मिल जाएंगे और गर्मियों के दिनों में तो पुदीना बहुत ज्यादा फैलता है। दोस्तों पुदीने की हरी हरी पत्तियां ठंडक देती हैं, ताजगी देती हैं और सूजन यानी स्वेलिंग को दूर करती हैं। दोस्तों ये पाचन एंजाइम को हमारे अंदर बढ़ा देती हैं। इन पत्तियों को अगर आप चबाकर अच्छे से ऊपर से पानी पी लेते हैं सुबह सुबह खाली पेट, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। लेकिन कुछ लोग अगर इसे नहीं चबाना चाहते तो इसकी चाय बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। यानी 1 कप पानी के अंदर 3 से 4 पत्तियों को हाथ से क्रश करके डाल दीजिए, उबाल लीजिए, उसके बाद उबलने के बाद इस पानी को ठंडा होने दें, चाय को ठंडा होने दें और इसका सेवन कर लें छान कर। दोस्तों ऐसा करने से अगर आपको गैस की समस्या, ब्लॉटिंग की समस्या है, ऐठन की समस्या है पेट में, तो ये दूर हो जाएगी। दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 3 से 3.5 मिनट की है, लेकिन उन सभी लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगी, काफी यूजफुल होगी जिनको भी ये समस्या रहती है और इसके लिए रोजाना दवाई खाते हैं। दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल है इस वीडियो से संबंधित तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।